आदाब, सबको बरकत दे। आज जो हम लेसन कर रहे हैं, ये लेसन है रागों में रंग भरने का तरीका। राग हम बसंत मुखरी से शुरू करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा नी सा रे सा धा नी पा गा मा रे गा मा गा नी सा। ये तरीका है रंग भरने का, ठीक है रागों में। सारे गारे गामा पाधा पामा गामा पाधा पामा गारे गामा गणेशा धामा पागामा रे गामा गणेशा निधानी रे। सारे गारे गामा पापा मा पाधा दा पाधा नी निधानी सारे सा सारे रे तो राग भैरवी भी इसी तरह ही है। रागों का जो मतलब के जिस तरह कहते हैं ना कि भाई लस्सी शक्कर वाली होवे, शक्कर मतलब के शक्कर वाली लस्सी होवे तो दा ज्यादा मजा आता है, चीनी वाली दा एडा मजा नहीं आता, ठीक है। राग भैरवी भी तकरीबन इसी तरह ही है, ठीक है। सारे गामा पा धा नी सा रे सा धा नी पा मा पा धा पा मा गा रे गा मा गा रे सा। इसमें नी कोमल लगता है और बसंत मुखरी पे भी नी कोमल लगता है, लेकिन उसमें ये बात है कि उसमें जो गा है वो शुद्ध लगता है, भैरवी में गा कोमल लगता है, ठीक है। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा नी सा रे सा धा नी पा गा मा पा मा गा रे नी धा पा मा पा धा नी रे सा। सारे गा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा रे सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। राग बिलावल जो है वो किस तरह जाएंगे? सारे गामा पाधा नी सा नहीं, ये सॉरी ये कमाज है, ठीक है। सा नी दा पा मा पा गामा रे जो है वो कोमल लग रहा है, ठीक है। बलावल में नहीं शुद्ध लगता है, फिर बलावल बन जाता है। लावल किस तरह होगा? सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा पा मा धा पा गा मा रे धा सा गा आप सबको बरकत दे। बकाया इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताता रहूँगा। खुदा आपको बरकत दे। वीडियो को जितना हो सके अपना सपोर्ट दें, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल नहीं है। खुदा आप सबको खुश रखे और आया देखो मेरे हाथ जुड़े नहीं, वीडियो के शेयर कर दें।